चल रहा हूँ। देखिए ये एंट्री इंडिया प्लानिंग कमीशन बन गई एंट्री, ठीक है, और इसमें 7 5 ईयर प्लान लिखा है। मिड टर्म अप्रेजल से पहले इसमें डॉट नहीं है, वो हमारी मिस्टेक है ना। 85 90 के बाद 2 डॉट होंगे सबटाइटल के लिए, मिड टर्म अप्रेजल, उसके बाद डॉट हाइफन दिल्ली मैनेजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस, और ईयर इसलिए लिखा है कि अभी ये प्रस्ताव है, ये किताब प्रिंट नहीं हुई है, इसलिए ईयर जो है टेंटेटिव अनुमानित दे दिया, ये जो पीरियड है उसका अनुमानित दे दिया, आगे एग्जैक्ट ईयर जब किताब छपेगी तब आ जाएगा। चलिए 13 नंबर एग्जाम्पल, नेशनल अकाउंट स्टेट्स, ये 10 साल के अकाउंट्स हैं। हेलो, 10 साल के अकाउंट्स हैं, ऑथर का लेवल कितने बिल्कुल हैं? हाँ बोलिए, ऑथर के लेवल 3 हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल नंबर 1 ऑथर, मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग लेवल नंबर 2 ऑथर, और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स लेवल नंबर 3 ऑथर। तो जब 3 लेवल होंगे तो पहले पहला लेवल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, कैसे लिखते हैं ये देखिए एंट्री, इंडिया मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग डॉट, आर ए के बाद डॉट लगेगा, इंडिया डॉट मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग डॉट, और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स जो अगली लाइन में लिखेंगे वो थोड़ा दूर से लिखेंगे, अभी भी प्रिंटिंग में गलत है, ये डी यहाँ नहीं होना चाहिए, कर्सर देख रहे ना, ये यहाँ पर होना चाहिए थोड़ा आगे, क्यों जितना गैप यहाँ है उतना ही गैप छोड़ के आप ये कंटिन्यू करेंगे ऑथर का नाम, ठीक है, बाकी सारी एंट्री ठीक है, बाकी में कोई नई चीज नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, बाकी जैसे एंट्री बनाते हैं एग्जैक्टली वैसे ही बनेगी। हम आज आपको रिपोर्ट बताएंगे, जो रिपोर्ट होती है ना उसकी ऑथरशिप कैसे डिसाइड करते हैं, एक दो रिपोर्ट का नाम होता है, जैसे ये रिपोर्ट किसकी है, रिपोर्ट ऑफ, कर्सर में चला रहा हूं, देखिए आप टाइटल में रिपोर्ट ऑफ, इसका मतलब एक किसी जिस चीज की रिपोर्ट है वो आगे लिखा है, दी वेज रिवीजन कमेटी फॉर पोर्ट एंड डॉक वर्कर्स, इतने शब्द हैं, वेज रिवीजन कमेटी फॉर पोर्ट एंड डॉक वर्कर्स फॉर मेजर पोर्ट्स, इतना नाम है पूरा। अब इस पूरे नाम को कैसे एनालाइज करते हैं आपको दिखा दूं, ये देखिए आगे आइए, आगे आइए, इस क्वेश्चन को अब देखिए हमने कैसे किया है, इंडिया, ये तो हो गया मेन एक ऑथर का पार्ट, आगे कमेटी का पूरा नाम है वेज रिवीजन कमेटी फॉर पोर्ट एंड डॉक वर्कर्स फॉर मेजर पोर्ट्स 1974। आप मेरी वो बात सुने जो इसका टेक्निकल पॉइंट है, आपको समझाता हूं, ये देखा आपने ऑथर का नाम जब दूसरी लाइन में आगे लिखते हैं तो यहां पर जितनी जगह ये 2 लाइनों के बीच में है उतनी जगह छोड़ के आगे लिखेंगे पोर्ट एंड डॉक वर्कर्स फॉर मेजर, और इस लाइन में अभी कंप्लीट नहीं हुआ तो तीसरी लाइन में हेलो हेलो, हाँ जी हेलो हेलो सर, ये जो हेलो, इसको क्या कहते हैं 3rd इमेजिन से करेंगे इसे? थर्ड, हाँ थर्ड इमेजिनरी से, ओके सर, हेलो, हाँ थर्ड, वो लाइन आपको खींचनी नहीं है, आप एग्जाम में लाइन खींचना नहीं, सिर्फ इमेज इसको। हाँ इतना स्पेस छोड़ देना बस, जैसे ये जितना स्पेस है इतना ही आगे स्पेस छोड़ दें, और यहाँ दूसरी लाइन से लिख लें, अगर यहाँ कंप्लीट नहीं होता तो तीसरी भी आ जाए, फिर टाइटल ये देखो वहीं से लिखेंगे जहां से हम लिखते हैं रिपोर्ट, इस पूरे क्वेश्चन में टाइटल इतना ही है रिपोर्ट, और ये न्यू दिल्ली चूंकि इस पे छपा नहीं था टाइटल पेज पे इसलिए हमने विद इन ब्रैकेट लिखा है, ये बात याद रखना, जब आपको क्वेश्चन दिया हो आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आप लिख रहे हो तो दिल्ली में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस है, मतलब मिनिस्ट्री और जो कुछ भी है सब दिल्ली में, तो यहाँ न्यू दिल्ली आप अंदाजे से डाल देंगे, ये देखिए, और लिख के आगे सर ये सर्कुलर ब्रैकेट लगा देंगे ये ऐसे, ठीक है, इसके बाद कोलन, कोलन जो लिखा है फिर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसका मतलब ये जो प्लेस है प्लेस हिडन है, इसमें लिखा नहीं, उसमें तो आपने न्यू दिल्ली जो प्लेस है
ऐसे लिख दिया, पोलैंड मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट कॉमा 1977 डॉट, कैटलॉग की एंट्री यहाँ तक कंप्लीट हो जाती। इसके बाद अदर मैटर रहता, अदर मैटर क्या है, पेजेज साइज, और एक और इंफॉर्मेशन इसमें एक्स्ट्रा है कि जब कभी कमेटी होगी तो उसका एक चेयरमैन होगा, आपको दिया होगा। जैसे ऊपर क्वेश्चन दे देखिए, नोट चेयरमैन ऑफ कमेटी बी एन लाकूर, तो इसका नाम हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, बी एन लाकूर। ये कौन सा सेक्शन है, नोट सेक्शन, ये कौन सा सेक्शन है, नोट सेक्शन, ये हाँ पेजेस के नीचे का सेक्शन है, बी एन लाकूर कॉमा चेयरमैन आल्सो। अब इसका कमेटी को लाकूर के नाम से भी जानते हैं, हर एक कमेटी चेयरमैन के नाम से जानी जाती है, तो ये लाइन लिखना मत भूलना, आल्सो नोन एज लाकूर कमेटी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का एक तो टाइटल का नाम है, और टाइटल के अलावा ये जो नया नाम उन्होंने दिया है वो लाकूर कमेटी रिपोर्ट करके दिया है, तो ये अल्टरनेट टाइटल इसको कहते हैं, ये बना देना। ये दोनों इंफॉर्मेशन नोट सेक्शन में लिखनी है, फिर आप ट्रेसिंग करिए, ट्रेसिंग में स्पेस अगर हो तो एक स्पेस बीच में गैप दे दीजिए, फिर लिखिए वेजेज पोर्ट वर्कर्स। ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा विषय है, वेजेज तनख्वाहें पोर्ट वर्कर्स, तो ये टाइटल, ये सब्जेक्ट बन गया पोर्ट वर्कर्स की वेजेज। आगे फिर बी एन लाकूर जो है ना उसका टाइटल बना देंगे, क्योंकि ऑथर के अलावा चेयरमैन का भी रोल होता है, तो लाकूर बी एन आप चेयरमैन लिखें, चेयरमैन वर्ड नहीं लिखेंगे, केवल लाकूर बी एन लिखेंगे। और सेकंड एंट्री बनेगी टाइटल की, टाइटल वही आपकी ये जो रिपोर्ट है ये लिख देंगे, फिर उसकी अल्टरनेट टाइटल, टाइटल कोलन लाकूर कमेटी रिपोर्ट। ये लाकूर कमेटी रिपोर्ट भी आप यहाँ ऊपर टाइटल एंट्री जहाँ करते हैं ना, ऐसे अलग कार्ड बनाते हैं ना टाइटल एंट्री के लिए, तो यहाँ पर लाकूर कमेटी रिपोर्ट करके टाइटल एंट्री बना देना। तो एक तो टाइटल रिपोर्ट बनेगी और दूसरी बनेगी लाकूर कमेटी रिपोर्ट। चलिए आगे चलते हैं, आपका नेक्स्ट नंबर आया कौन सा आथर, एसोसिएशन। कौन आथर है आपका, एसोसिएशन। कैसी एसोसिएशन, जैसे आपकी दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये भी एसोसिएशन, ऐसे ही अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन है, उसकी एक हैंडबुक छपी है, मैनेजमेंट हैंडबुक है, तो उसकी हम एंट्री कैसे बनाएंगे, पहले सारी डिटेल देखें आप। एएमए मैनेजमेंट हैंडबुक एडिटेड बाय रसेल एफ मूर, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन न्यूयॉर्क। कभी भी कोई एसोसिएशन का कोई डॉक्यूमेंट होगा उसमें एडिटर जरूर होता है, एसोसिएशन कोई बॉडी नहीं होती, वो फिजिकल बॉडी तो है नहीं, वो तो कॉर्पोरेट बॉडी है, तो उसका एडिटर होता है, उस किताब को वो तैयार करता है। चलिए आगे मैं दिखाता हूं आपको, ये देखिए ये डिटेल हो गई, ठीक है। ऑन द बैक ऑफ टाइटल पेज स्टेटेड द कॉपीराइट इज अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन। इस नोट में ये बात पता लगती है कि इस बुक का ऑथर जो है अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन है, ये नोट लिखा हुआ है। आप अपने क्वेश्चन को बहुत केयरफुली एग्जाम में पढ़ेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ने में जरूर 5 मिनट लगाएंगे आप। चलिए अब देखिए एंट्री बन रही है, हर चीज बिल्कुल उसी हिसाब से, उधर कॉल नंबर है, ठीक है, और कॉल नंबर के बाद अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन में एंट्री हो गई, ऑथर यहाँ खत्म हो गया। अब यहाँ से टाइटल है एएमए मैनेजमेंट हैंडबुक, ये टाइटल है, स्लैश करके जो एडिटर है उसका नाम लिखेंगे, क्योंकि फिजिकली जो आदमी काम करता है वो एडिटर होता है, एसोसिएशन फिजिकल बॉडी नहीं है, वो कॉर्पोरेट बॉडी है, तो ये जो आदमी लिख रहा है उसका नाम इसमें एडिटर का स्लैश करके, एडिटर इसलिए लिखते हैं कि ऑथर नहीं है ये एडिटर है, ठीक है, एडिटर बाय सोएंसो न्यूयॉर्क, द एसोसिएशन इसलिए लिखा कि हम इस एसोसिएशन का नाम यहाँ दोबारा लिख सकते हैं, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, लेकिन रेपिटेशन बचाते हैं कैटलॉगिंग में, इसलिए ये जो नाम है दोबारा द एसोसिएशन लिख देंगे, पब्लिशर की जगह पूरा नाम नहीं लिखेंगे, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन की जगह द एसोसिएशन कॉमा और ईयर, यह है नीचे उसके पेजेस वगैरह, ठीक है। आगे चलिए, आईएसबीएन नंबर है,
ये बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ये मिस्टेक है। आप पेजेस के नीचे ही आईएसबीएन नंबर लिखें, बीच में गैप छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप आराम से कर लें। और छूट भी जाएगा तो कुछ कटेगा नहीं, नंबर नहीं, अगर एक लाइन छूट भी गई नंबर नहीं कटेगा। लेकिन बता रहा हूँ ब्यूटी कैटलॉगिंग की यही है कि कोलेशन इकट्ठा लिखाओ। कोलेशन में कितने पार्ट होते हैं? पेजेज, साइज, आईएसबीएन नंबर और सीरीज, सीरीज भी होती है, वो अभी आपको आगे चल के अभी बताएंगे, जब क्वेश्चन आएगा फिर समझा दूंगा, ठीक है। अब आपने हेलो सर, हाँ जी बोलिए। हाँ सर, जब हम सब्जेक्ट को मेन एंट्री आज ले सकते हैं तो हाँ। ट्रेसिंग एरिया में जब सब्जेक्ट एरिया आएगा तो उसमें हम सब्जेक्ट वही सब्जेक्ट लिखेंगे या फिर उसको स्किप कर देंगे? नहीं नहीं ये देखिए सब्जेक्ट बना है ना, मैनेजमेंट हैंडबुक हमने जो बनाया है ये सब्जेक्ट है बेटा। अच्छा, मतलब वो दोनों ही रहेगा सर, सब्जेक्ट भी रहेगा ट्रेसिंग एरिया में? अरे आप देखिए मैं आपको जो चीज समझा रहा हूँ उधर समझिए, ये नंबर ये है 658.02 आपको दिख रहा है? यस सर। अब इस नंबर को ट्रांसलेट कीजिए, 658 इज मैनेजमेंट और 02 है हैंडबुक, 02 है हैंडबुक। तो ये क्लासिफिकेशन नंबर होता है इसी को ट्रांसलेट करके सब्जेक्ट बनाया जाता है, और वो कोड आपकी मदद करता है, डीडीसी मदद करता है कि आपको ये सब्जेक्ट का नाम क्या लिखना है, वो नंबर से ट्रांसलेट हो जाता है, ठीक है बेटा। हेलो, यस सर। हाँ तो मैनेजमेंट, और एक बात बताएं, मैनेजमेंट के बाद डैश है यहाँ, ये डैश इसमें मिस है। असल में ये प्रिंटिंग मटेरियल है, इसका स्टैंडर्ड बहुत घटिया है, आपको पता है इसकी एडिटिंग कोई नहीं करता, ये गलत है। मैनेजमेंट हाइफन हैंडबुक कॉमा मैनुअल एक्सेट्रा ऐसे लिखना है, ठीक है ये है। और ये सारी बात जो है आपको क्लासिफिकेशन स्कीम में पता लग जाता है, क्योंकि नंबर जब निकालेंगे, ये क्या है, ये स्टैंडर्ड सब डिविजन है, 02 क्या है, स्टैंडर्ड सब डिविजन, 658 में जाइए, स्टैंडर्ड सब डिविजन 02 देखिए, आपको यही मिल जाएगा लिखा हुआ जो यहाँ लिखा है। चलिए आगे चलता हूँ, ये देखिए आप जो एडिटर है इसमें रोल किसका है, ऑथर एसोसिएशन है, और एडिटर ने फिजिकली बुक को लिखा है तो एडिटर का एक एंट्री आएगी, मूर रसल एफ, ये मूर के बाद कॉमा लगेगा, यहाँ कॉमा नहीं है, मूर कॉमा रसल एफ उसका नाम है, मूर कॉमा रसल एफ, ये सरनेम है, बाकी का नाम आगे। फिर अगली एंट्री होगी टाइटल, तो टाइटल में यही ये एंट्री बन जाएंगी, एमए मैनेजमेंट हैंडबुक, और ये लिखते कहाँ है, जितनी एडेड एंट्री है इस स्पेस पे लिखते हैं, ये देखिए जहां मैं कर्सर चला रहा हूं यहां आपने एक एक लिखना है, एक बार मैनेजमेंट हैंडबुक लिखना है, दूसरी बार मूर रसल एफ लिखना है, और तीसरी बार एमए मैनेजमेंट हैंडबुक लिखना है, तीन एंट्री बनेंगी, मेन एंट्री प्लस 3 एडेड एंट्रीज, ओके। चलिए आगे आइए, ये दूसरी एसोसिएशन है, एक ही एग्जाम्पल का दूसरा एग्जाम्पल हमने बनाया है, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एग्जाम में इतना कॉम्प्लिकेट करके देंगे नहीं, लेकिन आपको हम समझाते सब चीजें, देखिए इसमें आपने देखा दो सब टाइटल हैं, एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन कॉलेज, इंटीग्रिटी ऑफ कॉलेज क्यूरिकुलम रिपोर्ट ऑफ द एकेडमिक कम्युनिटी, इसका मतलब इंटीग्रिटी ऑफ कॉलेज, ये है टाइटल बुक का, एक मिनट सिलेक्ट गलत हो रहा है, ये देखिए ये किस तरह से लिया हुआ, ये ऊपर जहां मैं दिखा रहा हूं इंटीग्रिटी, ये है टाइटल, और ये नीचे जो है ये उसका सब टाइटल है, और ये है वही एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन कॉलेजेज, ये वही ऑथर है, उसने खुद ही छापा हुआ, वॉशिंगटन प्लेस है। चलिए अब इस एग्जाम्पल को आगे देखिए, देखा आपने एसोसिएशन ही ऑथर है, और आगे चलिए इस एंट्री और पिछली एंट्री में क्या फर्क है, उसमें एडिटर को अपॉइंट किया था और एडिटर का नाम लिखा था, इस बुक में एसोसिएशन ने सब कुछ अपने नाम से लिखा है, एडिटर को बाईपास कर दिया, हालांकि काम उसने किया होगा लेकिन उसको मेंशन नहीं किया, तो हम एसोसिएशन में ही ऑथर लिखेंगे और नीचे टाइटल लिखेंगे,
अब टाइटल के बाद देखिए, क्यूरिकुलम के बाद फिर कोलन होना चाहिए, वो नहीं है। इंटीग्रिटी ऑफ कॉलेज क्यूरिकुलम कोलन ये रिपोर्ट टू दी एकेडमिक लाइफ कमिटी, ये सब टाइटल है, ऊपर वाला टाइटल। वाशिंगटन डीसी एसोसिएशन 1985। फिर आगे कोलेशन है, और कोलेशन के बाद ये देखिए कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज क्यूरिकुला, ये टाइटल बनता है इसके हिसाब से, 375 के हिसाब से ये इसका सब्जेक्ट का नाम बनता है, ठीक है। और जो असली चीज जो मैं पहले बताया आज फिर रिपीट करता हूं, आप जो भी वर्ड एज टॉपिक या एज सब्जेक्ट नेम डिसाइड करें उसको सियर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग में डिक्शनरी के तरह देखें। जब आप लिखेंगे उसमें कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, ये लिखेंगे उसमें 375 का मतलब है कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज, और तब वो उसमें खुद लिख देगा कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज यूज कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज क्यूरिकुला, वो देगा वहां मेंशन कर देता है, ठीक है बेटा। और नहीं मेंशन कर रहा तो आपके टाइटल में भी लिखा हुआ, ये देखो लिखा ना कॉलेज क्यूरिकुलम। और एक पीरियडिकल आता है जनरल मैगजीन, उसका भी कैटलॉगिंग आता है। तो आप चलते जाएं, आपका सिलेबस चलता जाएगा, आपको सारा बताएंगे धीरे। आइए ये देखिए कॉन्फ्रेंस सेमिनार सिंपोजियम है, इसकी एंट्री आपको दिखाता हूं। देखिए आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस वगैरह के नाम देखे होंगे, ऐसे होते हैं प्रोसीडिंग्स ऑफ द नाइन्थ लूनर। देखिए कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है, यहां से शुरू हुआ, देखिए नाइन्थ लूनर एंड प्लेनरी साइंस कॉन्फ्रेंस, पूरी कॉन्फ्रेंस का ये नाम है। और ये प्रोसीडिंग मींस जैसे आपने लिखा था रिपोर्ट, ऊपर लिखा था कोई कमेटी थी उसका रिपोर्ट लिखा था, ऐसे ही कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग होती, उसमें रिपोर्ट वर्ड नहीं आता, उसमें आता प्रोसीडिंग्स, उसका मसौदा, उसकी कार्रवाई प्रोसीडिंग। तो इसकी एंट्री देखिए, इसमें कॉन्फ्रेंस का नाम होगा, उसका प्लेस होगा, और उसका ईयर डेट होगी, इतनी डिटेल होती है। इसको कैसे लिखते हैं आप देखिए, आगे आइए, प्रेस भी दिया है, कहाँ छपी है, चलिए आगे आइए, ये डिटेल दिया है, उसका नंबर है, सारा कुछ है, ठीक है। नीचे आइए, ये देखिए कॉन्फ्रेंस की एंट्री वैसे ही होगी जैसे हमने कॉर्पोरेट ऑथर की एंट्री की है, सिर्फ फर्क इतना है कॉन्फ्रेंस की कुछ डिटेल लिखने का तरीका आपको बता रहा हूं वो क्या है। देखिए लूनर एंड प्लेनरी साइंस कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस का नाम है लूनर एंड प्लेनरी साइंस, एक बात। दूसरी यहां पर वो बात मैं फिर आपको याद दिलाता हूँ, ये कॉन्फ्रेंस ज्यादा पीछे लिखा है, ये आपको इतनी ही आगे स्पेस छोड़ के लिखना है, इतनी स्पेस छोड़ के कॉन्फ्रेंस लिखना है, क्योंकि ऑथर एंट्री जो है कॉर्पोरेट बॉडी की ये इस तरीके से होती है, ये थर्ड इमेजिनरी इंटेंशन से कंटिन्यू करते हैं। चलिए यहां तक तो नाम हो गया, नाम के बाद ये हेलो, इस कॉन्फ्रेंस की कौन सी कॉन्फ्रेंस है, नवी, नाइन्थ है नवी, तो नवी जो सीरियल नंबर है वो ब्रैकेट में लिखेंगे नाइन्थ, अगर सेकेंड है तो सेकेंड, फोर्थ फोर है तो फोर्थ, और आगे फिर कोलन लगाएंगे और फिर ईयर लिखेंगे। आपको डेट लिखी है इसमें, पूरी डेट नहीं लिखते, केवल ईयर ऑफ कॉन्फ्रेंस लिखते हैं, उसके बाद कोलन लगा के फिर प्लेस लिखते हैं। ऑर्डर आप समझ लीजिए, पहले कॉन्फ्रेंस का सीरियल नंबर, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस, सेकंड कॉन्फ्रेंस, थर्ड कॉन्फ्रेंस, फोर्थ कॉन्फ्रेंस, सीरियल नंबर, उसके बाद ईयर, उसके बाद प्लेस, और इनके बीच में कोलन, और ब्रैकेट बंद, फुल स्टॉप। ये है कॉन्फ्रेंस के एंट्री करने का तरीका। उसके बाद नीचे से टाइटल में प्रोसीडिंग्स लिखेंगे, और प्रोसीडिंग लिख के पूरा का पूरा टाइटल पेज रिपीट हो जाएगा। एक बार फिर दिखाऊं, पीछे पीछे दिखाऊं, ये देखिए पूरा का पूरा टाइटल पेज रिपीट हो जाएगा, ये टाइटल पेज आपका ये है प्रोसीडिंग ऑफ नाइन्थ, ये पूरा रिपीट हो जाएगा। आगे देखिए
Proceedings of 9th Lunar and Planetary Science Conference, Austin, Texas, March 13-17, 1978. अब करके compiled by Lunar and Planetary Institute. इसमें इंस्टीट्यूट को काम दिया है कंपाइल करने का, एडिटर नहीं है इसमें. इसमें हमने कंपाइलर को इंस्टीट्यूट को बनाया है. ये कॉन्फ्रेंस अरेंज की है इंस्टीट्यूट ने, तो इंस्टीट्यूट इसका कंपाइलर है, इसको तैयार करने वाला है. और कहाँ उसने छापी है वो जगह दी है, ऑक्सफोर्ड कोलन पैरागम प्रेस 1978. तो ये आप इनका सबका वो लेते जाइए फोटो, अगर आप पास मटेरियल नहीं है तो, और अगर मटेरियल है तो मटेरियल में देख लीजिए, समझ लीजिए. अब इसमें क्या है, एक कार्ड में आपकी एंट्री कंप्लीट नहीं हुई तो हमने सेकंड कार्ड इसमें कंटिन्यू का लगा दिया, लूनर एंड प्लेनरी साइंस, और उस पर लिख दिया कंटिन्यूड वन, लूनर एंड प्लेनरी साइंस कॉन्फ्रेंस लिख के. फिर मैंने उसके आगे ट्रेसिंग इसमें नहीं आ पाया था तो ट्रेसिंग हमने अगले कार्ड में दिया. इसका ट्रेसिंग ये देखो यहां से दिया, मून कांग्रेस, ये चांद के ऊपर कॉन्फ्रेंस है. तो कॉन्फ्रेंस का नाम क्या लिखते हैं, कांग्रेस कामा कॉन्फ्रेंस एक्सेट्रा, कांग्रेस कामा कॉन्फ्रेंस एक्सेट्रा. जब भी कॉन्फ्रेंस की एंट्री होगी तो सब्जेक्ट के साथ आगे डैश लगाएंगे, डैश नहीं यहां लगा, डैश लगाएंगे और फिर लिखेंगे कांग्रेस कॉन्फ्रेंसेस एक्सेट्रा. ठीक है, अब इसमें इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा रोल है, सारा कॉन्फ्रेंस का खर्चा, उसका अरेंजमेंट, उसको तैयार करना, कंपाइल करना, ये सब इसका काम है इंस्टीट्यूट का. इसलिए इंस्टीट्यूट को एज सेकंड ऑथर या एसोसिएट ऑथर या उसकी पोजीशन समझते हुए उसकी एंट्री दे देंगे, जैसे एडिटर की दी थी हमने, लूनर एंड प्लेनरी इंस्टीट्यूट ऑस्टन टेक्सास, ये हमने उसका नाम यहाँ दे दिया. ठीक है, ये जो कॉन्फ्रेंस इंस्टीट्यूट है उसका ये लोकेशन देके ये इंस्टीट्यूट का नाम दे दिया, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, उसका रोल है इसमें. और सेकंड है टाइटल, टाइटल कौन सा है, वही कॉन्फ्रेंस. तो ये एंट्री आपको बनानी पड़ेगी एक्स्ट्रा. तो आपने देखा इसमें मेन एंट्री दो कार्ड में बनी है, एक में नहीं आई. चलिए आगे चलिए. यस सर, ये देखिए जैसे वो काम है ऐसे ये सेकंड एंट्री है. मैं ये सब बता चुका हूँ, पर मैंने आपको बताया ना कैटलॉगिंग टफ होने की वजह से मैं आपको टाइम देता हूँ. अब आप दो नंबर आपको क्लासिफाई करके दिखा दें, वो पढ़ाने की बात नहीं है, थ्योरेटिकल चीज अगर आपको नहीं पता होगी तो बेटा नहीं कर पाओगे, इसलिए ये चीजें आपको समझानी होती. ये देखिए इसमें प्रोसीडिंग वाली भी ऐसे ही बनी है, कोई फर्क नहीं है. ये देखिए, ये देखिए सिंपोजियम ऑन ट्रॉपिकल मानसून और ईयर और पुणे प्लेस है. इसमें सीरियल नंबर नहीं है इसका कॉन्फ्रेंस, जैसे पांचवी कॉन्फ्रेंस छठी ऐसा कुछ नहीं है. तो फिर उसके बाद हमने वो पूरा टाइटल रिपीट कर दिया, प्रोसीडिंग ऑफ सिंपोजियम ट्रॉपिकल मानसून हेल्ड सेवन सो सो एंड सो स्लैश इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, वो इन्वॉल्व है इंस्टीट्यूट पुणे. और द इंस्टीट्यूट क्यों, क्योंकि पब्लिशर भी वही है, तो ये नाम दोबारा पूरा ना लिख के सिर्फ द इंस्टीट्यूट लिख दिया. ये सब बातें मैं आपको समझा चुका हूँ, कॉमा करके ईयर हो गया. ये पेजेज हैं. अब ये देखिए क्लाइमेट है, इसका सब्जेक्ट क्या है, क्लाइमेट और रेन और रेनफॉल का है. तो क्लाइमेट की दो, एक तो जनरल एंट्री बना दी क्लाइमेट की सब्जेक्ट की, दूसरी रेन एंड रेनफॉल बना दी. ठीक है, क्योंकि इसमें जब आपको एक बात बताऊं, सब्जेक्ट की एंट्री एक तो कंपल्सरी है, दो एंट्री बनाना चॉइस होता है. आपको अगर इतनी नॉलेज है और दूसरा विषय आप समझ सकते हो, जैसे ये मानसून की स्टडी है, इसका मतलब क्लाइमेट तो है ही है विषय और रेन और रेनफॉल की स्टडी है, तो हमने सब्जेक्ट को दो बातों को लेके हमने बना दिया. तो एक सर, सब्जेक्ट एंट्री. हाँ जी हेलो सर, इसमें स्नोफॉल भी बन सकता है ना. क्या स्नोफॉल कहाँ है सर, ये मानसून है ना, मानसून में बना सकते है ना वैसे एक नहीं, मानसून में स्नोफॉल नहीं होता बेटा, स्नोफॉल अलग सब्जेक्ट है. मैं आपको बता रहा हूँ मानसून, ट्रॉपिकल मानसून का क्या मतलब होता है, ये जो गर्म उष्ण, आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं क्या, उष्ण प्रदेशों में जो मानसून, जैसे हमारा यूपी और दिल्ली ये एरिया है, यहाँ बर्फ नहीं होगा, बर्फ होगा पहाड़ों में. तो ये जो एरिया है पूरा मैदान का एरिया है, इसमें पुणे भी दिया, ये देखो सारा, यहाँ पर ट्रॉपिकल मानसून होते हैं, यानी उष्ण
वर्षा होती, बरसात, रेनफॉल। यहाँ बर्फ नहीं, अगर अगर ये स्नोफॉल होता बेटा तो ट्रॉपिकल मानसून नहीं लिखते, ट्रॉपिकल स्नोफॉल लिख देते। इसमें जो स्नोफॉल तो आपके हिल एरिया में जो होता है ना कम, वो इसका मतलब आप हिल्स में जो बर्फबारी है उसकी स्टडी करें, वो सब्जेक्ट ही अलग होगा और उसका नंबर 551 नहीं होगा। मानसून का नंबर ये है, उसका नंबर कुछ और है, 551.518 मानसून का नंबर है, न कि स्नोफॉल का, उसका अलग नंबर है। चेक कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। और उसमें टाइटल में भी सबको क्लियर लिखा हुआ है मानसून है, तो सब्जेक्ट रेन और रेनफॉल ही है, स्नोफॉल नहीं। चलिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ये इंस्टीट्यूट का नाम है, और ये तो इतनी एंट्री इसमें बनी। चलिए हम आपको ये पूरा दिखाते हैं कैटलॉगिंग ऑफ मल्टी वॉल्यूम, यानी किताबें अगर दो वॉल्यूम या दो से ज्यादा वॉल्यूम की हैं, या सीरियल पब्लिकेशन, सीरियल पब्लिकेशन मतलब पत्रिका, पत्रिका क्या होता, इस महीने निकली, अगले महीने निकली, अगले महीने निकली, तो इस तरह की बुक्स की पब्लिकेशन का आपको दिखा। देखिए कंटेंट पेज को देखिए, मल्टी वॉल्यूम बुक्स, फिर है आगे दिया है मल्टी वॉल्यूम बुक्स, फिर है सीरियल पब्लिकेशन, सीरियल में लिखा, सीरियल पब्लिकेशन क्या होता है और उसमें क्या प्रॉब्लम होती, ये सारा इस पूरे डिस्पैच में दिया है। यूनिट 10 नंबर का यूनिट है और कैटलॉग की बुक में आप देख लीजिएगा इसको, ये है आपका कंटेंट पेज। चलिए मैं एंट्री पे आता हूँ सीधे, टाइम वेस्ट करने के बजाय सीधे एंट्री पे आता हूँ। मल्टी वॉल्यूम बुक्स की एंट्री कैसे करते हैं, सिर्फ आपने केयरफुली समझना है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये देखिए मल्टी वॉल्यूम की पहली एग्जाम्पल 10.3, ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, मॉडर्न इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। टाइटल क्या है बुक का, मॉडर्न इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और सब टाइटल है एन इंट्रोडक्शन टू एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया। ऊपर टाइटल है, नीचे सब टाइटल है, और उसके बाद नीचे ऑथर हैं, और ऑथर हैं दो, एक नहीं है, दो हैं। ये है जॉन ओ बोक्रिस एंड अमूल के एन रेड्डी, ये दोनों नाम हैं। और नीचे ये डिटेल ऐसे एडिशन की है, ये एडिशन है, बाकी डिटेल देखिए, कॉल नंबर है, एक्सेशन नंबर है, एक्सेशन नंबर दो हैं, क्योंकि वॉल्यूम दो हैं किताब के, टू वॉल्यूम्स हैं, ऊपर हमने आपको बताया, नीचे भी लिखा हुआ है। अदर इंफॉर्मेशन देखिए, टू वॉल्यूम्स हैं, ये साइज है, और जो ये जो है बुक जो है दो वॉल्यूम है, नीचे लिखा भी है, पहले वाले में पेजेज इतने हैं और दूसरी वाले में पेजेज इतने हैं। ठीक है, इस एंट्री को हम देखो बनाते हैं। ऑथर दो हैं, उसमें पहला ऑथर लिखा जाएगा, पहला ऑथर ऊपर ऑथर सेक्शन में लिखा जाएगा, नीचे टाइटल लिखिए मॉडर्न इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कोलन एन इंट्रोडक्शन टू इंटरडिसिप्लिनरी एरिया जॉन ओ एम बोक्रिस एंड अमूल एमएम के एन रेड्डी। ये स्लैश करके दोनों ऑथर का नाम रिपीट होगा, लेकिन ऊपर एक ही लिखा जाएगा, आपको पहले भी मैंने दो वॉल्यूम की बुक का बताया था। ये सिर्फ बंटी वॉल्यूम है, यानी दो वॉल्यूम के, आगे एडिशन है, जैसे आप लिखते हो एडिशन 4, फोर्थ एडिशन, थर्ड एडिशन, वैसे ये प्लेनियम एडिशन का नाम है उसने दिया है पब्लिशर ने, प्लेनियम रिसर्च एडिशन। ऐसे कई बार होगा यूनिवर्सिटी स्पेशल एडिशन, तो जो लिखा हो वही लिखना है आपने। ठीक है, एडिशन का गिनती नहीं होता, कई बार नाम भी होता है। चलिए, प्लेस ऑफ पब्लिशिंग आ गया, ईयर, वो पब्लिशर का नाम आ गया, ईयर आ गया। अब देखिए कोलेशन में थोड़ा ध्यान देना है, दो वॉल्यूम, सबसे पहले जितनी किताब की, कितने वॉल्यूम की किताब है वो गिनती लिखी है, टू लिखिए और वॉल्यूम का बी छोटा लिखिए, बड़ा नहीं लिखना, स्मॉल बी डॉट। अब ब्रैकेट में शुरू के जो पेजेस हैं वो आपने लिख देने हैं, और ये जो पेजेस हैं ये टोटल करके आपने लिख देने हैं, एंड पेजेस उसके बाद लिख देने हैं। दोनों वॉल्यूम के पेजेस लीजिए, और अब की बार नेक्स्ट क्लास में आप बना के देखिएगा मल्टी वॉल्यूम बुक का, और पेजेस मल्टी वॉल्यूम में कई बार एग्जेम्प्ट भी होते हैं, जैसे दो वॉल्यूम पेजेस दिए नहीं और साइज दिया, तो ऐसा होगा टू वॉल्यूम सेमी कोलन
22 सेंटीमीटर, अब अंदर जो ब्रैकेट की इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी, लेकिन अगर दी है तो आप ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट में दोनों ही वॉल्यूम के पेजेस को सम करके लिख दीजिए, ठीक है। चलिए नीचे अब उसमें आइए सेक्शन में ट्रेसिंग वाले में, सब्जेक्ट इसका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये कैसे पता लगा? 24137 के इक्वल टू उसमें देखिए डीडीसी में आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। चलिए उसके बाद रेड्डी अमूल, ये सेकंड ऑथर है, फर्स्ट ऑथर तो आपका ऊपर कवर हो गया, सेकंड ऑथर अंदर आ गया। उसके बाद है टाइटल, टाइटल कौन सा? मॉडर्न इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसकी एक एंट्री भी बनेगी। हाँ जी हाँ बोलो। ये सर जो हमारी एग्जिट एंट्री बनती है, हाँ मैं हमें हर बार ट्रेसिंग नंबर लिखना पड़ेगा सर, सॉरी एक्सेशन नंबर, एक्सेशन नंबर लिखना पड़ेगा, और वो जो ऊपर वो जो है क्लास नंबर, ये ब्लॉक का सारा लिखना पड़ेगा, ऑथर का नाम और टाइटल का थोड़ा, जैसे मॉडर्न इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ तक लिख दीजिए, उसके बाद कर दीजिए डॉट 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 और सेम या सेम एज मेन एंट्री। हाँ हाँ जैसे करके लिख दीजिए ब्रैकेट में, कि पूरी एंट्री आपको बनाने की जरूरत नहीं होती, एग्जाम में टाइम नहीं होता ना, इसलिए आप इतना ही लिखेंगे इतना, और इधर कॉल नंबर और एक्सेशन नंबर वो लिख दे हर एडिट एंट्री में ना सर, एडिट एंट्री में सब में। लेकिन एक बात आपको बताएं, हेलो यस सर, अगर आपको किसी भी तरह से ये जो एक्सेशन नंबर लिखने में देरी हो जाए ना लिख पाए, तो ये कभी मत मिस करना, क्योंकि वो कार्ड दूसरे से लिंक कैसे होगा मुझे बताइए, ये आगे पीछे करेंगे ना, तो लिंक कैसे होगा, अगर ये डिटेल नहीं होगी तो लिंक नहीं होगा, तभी ये दोनों ही चीजें जरूरी हैं, उस कार्ड के पीछे तो लगाएंगे इसको, जो कैटलॉग में कार्ड होगा उसके पीछे लगाएंगे, तो अरेंज करने के लिए ये डिटेल चाहिए होती, समझ गया बेटा। चलिए आगे आगे चलता हूँ, आगे चलता, ये मल्टी वॉल्यूम दो बुक्स हैं, आप देखिए मल्टी वॉल्यूम का एक डिफरेंस दिखाता हूँ, आप मल्टी वॉल्यूम बुक है और इस मल्टी वॉल्यूम ये देखिए ज्यादा है, ज्यादा का क्या मतलब, ऑथर तीन है, ठीक है, तो तीन ऑथर में क्या होगा, एडिट एंट्री में दोनों बाकी ऑथर चले जाएंगे। चलिए और आगे देखिए, डिटेल और चेक कीजिए, ये लिखा है कि दो वॉल्यूम की बुक है, ठीक है, दो वॉल्यूम की बुक है और दोनों वॉल्यूम के टाइटल अलग हैं। पहला वॉल्यूम का टाइटल वो इस पे लिखा है प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और सेकंड वॉल्यूम का टाइटल है एन आउटलाइन ऑफ स्टैटिस्टिकल टू मतलब थ्योरी, ठीक है, या टाइटल ऑफ वॉल्यूम नहीं, नहीं ये तो लिखा है नीचे दिखा स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंसेस जो भी है वॉल्यूम टू जो है ना टाइटल ये है। अब क्या है, अब आपको दो वॉल्यूम है और दोनों वॉल्यूम के टाइटल भी हैं, तब एंट्री कैसे बनेगी, बहुत केयरफुली देखेंगे बच्चे, बहुत केयरफुली। कितना काम बढ़ गया आपका, मैं कर्सर चला रहा हूं, बच्चे ध्यान दें, इधर से नंबर हो गए वो तो हो गए, यहां से गुण एम तीन तीन ऑथर में एक ऊपर आ गया, और एन आउटलाइन स्टैटिस्टिकल थ्योरी स्लैश करके एम गुण एम के गुप्ता एंड बी दास गुप्ता तीनों के नाम आ गए, इसके तीन ऑथर हैं। चलिए पब्लिशर प्लेस आया, पब्लिशिंग हाउस का नाम आया, ईयर आया, ईयर में ये इतनी किताबें तीन छपने में टाइम लगा, तो 85 से 87 के बीच में छपी है, एक ईयर नहीं है, इतने टाइम में छपी। चलिए कोलेशन देखिए, दो वॉल्यूम, इसमें इसने दूसरा स्टाइल दिखाया है कि फर्स्ट वॉल्यूम के प्रीलिम पेजेज लिखो और फिर कॉमा करके टेक्स्ट पेजेज लिखो, फिर उसके बाद फिर ये सेमी कोलन नहीं है बेटा, ये है कोलन ऊपर नीचे बिंदी, और ये दूसरे के पेजेज लिखो और फिर कॉमा लगा के वो पेजेज लिखो, पी लगा के डॉट लगाओ, ब्रैकेट बंद कर लो। एक मैंने तरीका आपको पहले बताया था पेज लिखने का, एक तरीका पेज लिखने का ये है कि आप एक के पेज लिखो फिर दूसरे के पेज। चलिए अब सेमी कोलन करके साइज आ गया, ये इंफॉर्मेशन इसमें देनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे दोनों वॉल्यूम का टाइटल अलग है, तब आप लिखेंगे ये कौन सा सेक्शन है, नोट सेक्शन, नोट सेक्शन में लिखिए कंटेंट्स, और कंटेंट्स करके यहाँ दो बिंदी लगती है, इसमें एक लगाई है, दो लगती है,
है ना, एक इसमें छिप गई है। चलिए अगर एक भी लगाएंगे नंबर नहीं आपका कटेगा, बता दिया आपको, जहां नंबर कटेगा वो जगह बताता हूं। कंटेंट्स लिखने के बाद वन लिखिए, ठीक है, ये वन लिखा आपने, वन लिखिए, ये देखिए। अब इस वन से क्या पहले से गलती की है, यहां पर लिखना है आपको वी वन। देखिए जैसे वी टू लिखा है ना, ये बेटा इसी तरह से यहाँ वी वन लिखना है, प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डैश, ये डैश है बेटा, ये और कोई सिंबल नहीं है, डैश है, फिर वी डॉट टू, ठीक है, इसके बाद फिर स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस, ठीक है, फुल स्टॉप। यानी दोनों किताब के टाइटल कंटेंट फॉर्म में आपको नोट सेक्शन में लिखना पड़ेगा, समझ आया, इस तरह से आप लिख दीजिए। हाँ, उसके बाद नीचे ट्रेसिंग, ट्रेसिंग कुछ नहीं है, इसमें आधी बात लिखी है, यह स्टैटिस्टिकल कोई चीज नहीं होता, स्टैटिस्टिकल थ्योरी होता है या स्टैटिस्टिक्स होता है, तो ये वर्ड लिखने में गलती है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, या तो स्टैटिस्टिकल थ्योरी होगा, वो इसने लिखने में वर्ड रह गया। चलिए यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम लिखिए, स्टैटिस्टिक्स लिख सकते हैं, कल के बजाय स्टैटिस्टिक्स भी लिखते हैं। फिर उसके बाद गुप्ता एम के और दास गुप्ता बी, ये दो आथर और हैं ज्वाइंट आथर, उनकी एंट्री यहाँ पड़ जाएगी, तीसरी पड़ जाएगी टाइटल की। तो आपने देखा दो वॉल्यूम की बुक अगर कॉमन टाइटल है तब एंट्री सिंपल, और अगर दोनों का टाइटल अलग है तो कंटेंट वाला पार्ट उसको कोलेशन के नीचे डालना पड़ेगा, ठीक है बेटा। हेलो, यस सर, हाँ रेस्पॉन्स देते रहो बेटे, हाँ करते रहो, मुझे पता है। चलिए चलिए आगे, चलिए आगे, चलिए ये उससे भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बुक है, लेकिन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बड़ी एंट्री ज्यादातर देते नहीं, आपको समझा इसलिए रहे, ये मेरा काम है हर तरह की एंट्री आपको समझाना। रूरल डेवलपमेंट करके एक बुक है मल्टी वॉल्यूम, और उसमें वॉल्यूम थोड़े नहीं है, कितने वॉल्यूम है देखिए, इसमें नीचे देखिए, द बुक इज सिक्स वॉल्यूम एंड ईच वॉल्यूम हैज इट्स ओन इंडिविजुअल टाइटल, हर वॉल्यूम का अपना टाइटल भी है, और टोटल वॉल्यूम छह हैं। नीचे इंफॉर्मेशन है जहां मैं कर्सर ले जा रहा हूं, ये पढ़ के देखिए, दिस बुक इज सिक्स वॉल्यूम, ईच वॉल्यूम हैज इट्स ओन टाइटल, दे आर ये, दिस इज द इंफॉर्मेशन आपको दी होगी, आपने कुछ अपनी तरफ से नहीं करना, आपको इंफॉर्मेशन दी होगी। एंट्री कैसे बनेगी देखिए, वही बात, कोई नई बात नहीं, केवल आपको हौसला रखना है, आप घबराएंगे नहीं। आपने यहाँ ऑथर लिखा, उसका जो सबका सब जितनी भी बुक्स हैं उनका जो ये ऑथर है वो लिख दिया, उसके बाद यहाँ लिख दिया रूरल डेवलपमेंट स्लैश बसंत देसाई बॉल, ये जो भी है बॉम्बे सो एंड सो सो एंड सो सो, ये हो गई सारी एंट्री टाइटल की। इसके बाद आप लिखेंगे सिक्स वी, और चूंकि इतने सारे वॉल्यूम होंगे तो पेजेज नहीं दिए जाएंगे, बच्चों समझ आया, पांच पांच छह छह वॉल्यूम के पेजेज काउंट करके नहीं लिखे जाते, ज्यादा ज्यादा दो वॉल्यूम के लिखे जाते, ठीक है, वो आपने ऊपर देखा, छह वॉल्यूम होंगे तो इंफॉर्मेशन इतनी होगी, सिक्स वी सेमीकोलन 23 सेंटीमीटर। कंटेंट वैसे लिखा होगा जैसे मैंने बताया, कंटेंट इसमें देखो ठीक लगा कोलन, कंटेंट कोलन वी डॉट वन इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स हाइफन, यानी कंटिन्यू हो रहा ना हाइफन, बी टू प्रोग्राम्स एंड स्ट्रेटजीज हाइफन, बी थ्री ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट कम हाइफन, बी फोर एक्सपेरिमेंट इन रूरल डेवलपमेंट हाइफन, बी फाइव रूरल डेवलपमेंट थ्रू प्लान्स, और बी सिक्स रूरल डेवलपमेंट इन दी सेवंथ प्लान। और इसके बाद नीचे आएंगे तो इसका ये ट्रेसिंग बना दिया है, सब्जेक्ट हर किताब का रूरल डेवलपमेंट ही है, और रूरल डेवलपमेंट का नंबर कैसे आपको पता कैसे लगा, इस नंबर को आप कोड में देखें तो आपको पता लग जाएगा, और यहाँ टाइटल भी वही है, तो सब कुछ आपको टैली हो गया, तो सब्जेक्ट ठीक हो गया रूरल डेवलपमेंट, समझ आया बेटा, यस सर,
ऐसे ही लिखना है और इसमें सब्जेक्ट की एंट्री बनेगी, ठीक है बेटा। और कोई टाइटल की क्यों नहीं बनी, क्योंकि टाइटल भी वही है रूरल डेवलपमेंट, तो हम सब्जेक्ट की रूरल डेवलपमेंट की एंट्री देंगे, टाइटल की एंट्री नहीं देंगे। अगर टाइटल कुछ होता रूरल स्टडीज ऐसा कुछ होता तब हम टाइटल एंट्री भी बनाते। क्लियर? चलो लास्ट, लास्ट का मतलब है सीरियल पब्लिकेशन। सीरियल पब्लिकेशंस हम आज आपको बताएंगे और इसको रिपीट इसलिए करेंगे कि बिना इसके एग्जाम नहीं होता। आपके क्वेश्चन पेपर में सीरियल पब्लिकेशन का एक टाइटल जरूर होता है। आउट ऑफ फाइव कितने होते हैं आपके टाइटल? पांच टाइटल कैटलॉग करने होते हैं जिसमें से एक सीरियल जरूर होता है। सीरियल का मतलब ये पत्र पत्रिकाएं हैं, पीरियडिकल, आप टेक्निकल भाषा बोलो पीरियडिकल। इस पीरियडिकल की कैटलॉगिंग थोड़ी अलग है, मुश्किल कुछ नहीं है, लेकिन मेरा काम है हम आपको पूरी एंट्री कोई चीज नहीं होगी जो बगैर पढ़ाए छोड़ेंगे। तो लीजिए आपको सीरियल पब्लिकेशन की एंट्री दिखाते हैं। थ्योरी आपके पास होगी तो आप पढ़ लेंगे, नहीं थ्योरी हो तो मैं तो ऐसा पढ़ाता हूं आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। 10.5 वर्क क्राउड एग्जाम्पल ऑफ सीरियल्स। कितने नाम है पीरियडिकल के, आप उन्हें सीरियल्स कह सकते हैं, आप उन्हें पीरियडिकल्स कह सकते हैं, आप उनको मैगजीन्स भी कह सकते हैं, क्योंकि मैगजीन वर्ड कम यूज करना है, क्योंकि मैगजीन होती है पॉपुलर मैगजीन। इसलिए आप एकेडमिक फील्ड में हो, एकेडमिक फील्ड में दो ही नाम होंगे आपके, या तो सीरियल्स होगा या पीरियडिकल होगा। ये करेक्शन आप अपने दिमाग में रखिए। देखिए हमने पीरियडिकल देखा है, टाइटल इसका देखिए अमेरिकन जर्नल ऑफ मैथमेटिक्स फाउंडेड बाय जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। ये जर्नल के साथ ये भी कई बार लिख देते हैं, ये जर्नल किसने चलाया है, यूनिवर्सिटी का नाम दिया इसमें, और कोई इंस्टीट्यूट होगा तो फाउंडेड बाय दिल्ली लाइब्रेरी, जैसे हमारा लाइब्रेरी हेराल्ड है, ठीक है, उसका नाम है लाइब्रेरी हेराल्ड डीएलए का, और उसमें नीचे लिखते हैं फाउंडेड बाय भाई दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है। एडिटर की जगह एडिटर आ जाता है, अगर लिखना है तो लिख देंगे एडिटेड बाय सो एंड सो पब्लिश्ड। अब ये क्या है, इस बुक को लिखा इसने है और फिर छापा भी हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी, क्योंकि मैथमेटिक्स का जर्नल है तो डिपार्टमेंट को भी उसने शामिल कर लिया है। यूनिवर्सिटी सारी जिम्मेदारी खुद नहीं लेती, वो अगर मैथमेटिक्स का पीरियडिकल है पत्रिका है तो मैथमेटिक्स के डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये इस तरह से छपती है। अब इसमें लिखा है वॉल्यूम 110 नंबर 5। ये जो पत्रिका आपको दी गई कैटलॉग करने के लिए वो 110वां वॉल्यूम है। कितना? 110वां वॉल्यूम। और ये याद रखिए 110वां वॉल्यूम जो है इस ईयर का है, ठीक है। नीचे आपके यूनिवर्सिटी की प्रेस का नाम दिया है और एड्रेस दिया। चलिए आगे चलते। एंट्री डिफिकल्ट है, बहुत बार समझानी पड़ेगी, मैं आपको बता रहा हूं ना, आप इसको मेरे से दोबारा भी पूछ सकते हैं। आइए, मैथमेटिक्स का नंबर कॉल नंबर है, साइज है और वो डेट है, सब है। सिक्स इश्यूज ईयर का मतलब है दो दो महीने में एक एक मैगजीन निकलती, एक एक इशू निकलता है, एक इशू दो दो महीने में, यानी जनवरी फरवरी का एक, मार्च अप्रैल का एक, इस तरह से टोटल कितने 6 इशू निकलते हैं। चलिए 6 इशू, ये डिटेल। अब एक इंफॉर्मेशन नीचे और इसमें दी होगी, वॉल्यूम लाइब्रेरी लैक्स। आप कैटलॉग करते हैं तो किसी न किसी लाइब्रेरी की पत्रिका करते हैं ना, तो उस लाइब्रेरी की पत्रिका की डिटेल उसने दे दी कि हमारी लाइब्रेरी में क्या हाल है। वॉल्यूम 1 से 68 तक वॉल्यूम तक लाइब्रेरी में नहीं है, ये लिख दिया उसने, 68 से आगे के वॉल्यूम है। तो देखिए आपकी एंट्री बहुत ही केयरफुली, आपने इसका कॉपी लिया। अब नीचे आइए, ये हमारा पुराना रूल है, टाइटल एंट्री जो होती है वो हमेशा पहले वहां से होती है और हैंगिंग बनती है,
हैंगिंग इंडेक्सेस बनती है, अभी मैं पहले आपको बता चुका। तो अमेरिकन जर्नल ऑफ मैथमेटिक्स करने के बाद फिर ये जो सेकंड आगे वाली लाइन है वहां से कंटिन्यू होगी, पीछे नहीं हटेगी, एंट्री पीछे नहीं हटेगी। वॉल्यूम वन 1879। अब आप कहोगे 1879 कहां से आया, ये 1879 जहां से आया है वो मैं आपको बता रहा हूं। वो जो ईयर है जो आपको एग्जांपल हमने दिया है, क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में ईयर दिया किसी वॉल्यूम का, 110वें वॉल्यूम का। तो पहले वॉल्यूम को 110 वॉल्यूम पीछे जाओगे तो 1879 ईयर निकल आएगा। ये ईयर आपको निकालना है सर। गिवन है सर 1879। कहां गिवन है सर? ये अदर इंफॉर्मेशन में, अदर इंफॉर्मेशन में आपने बात कह दी। एग्जाम में गिवन नहीं होगा तब आपका यही टेस्ट है कि आपको फर्स्ट वॉल्यूम का ईयर निकालना होगा किस बेसिस पे। यही अब जैसे 6947 है, इसमें दिया ना 6947 है, तो पीछे चले जाओ 68 वॉल्यूम पीछे घटा दो तो यही आ जाएगा 1879। हेलो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, एग्जाम में इन्होंने ऐसा किया है। इसमें से घटाएंगे हाँ, तो घटाओगे तो यही कैसे, क्या कह रहे हो 19 नहीं, आप उसमें से घटा सकते हैं, आप 69 के 47 हाँ उसी में से घटा लीजिए, आप 110 वाले में से घटाइए तो 110 तो वो है, 109 उसमें से घटाएं। हेलो यस सर हाँ तो ये आ जाएगा, आप घटा के देख लीजिए एकदम आ जाएगा। इसमें कोई अगर कोई गलती हो तो आप मेरे को बताना अगली बार, है ही नहीं पहली बार। अच्छा एंट्री करने का तरीका देख लो, टाइटल लिखेंगे पहले पीरियडिकल का पूरा, सिर्फ पहला अक्षर जो है वो बड़ा होगा, बाकी सब रनिंग में होंगे। अमेरिकन जर्नल ऑफ मैथमेटिक्स, कोई नाम आ जाए तो बड़ा हो जाएगा। चलिए ये हो गया, उसके बाद डॉट हाइफन, फिर लिखिए वॉल्यूम वन कॉमा नंबर वन विद इन ब्रैकेट ईयर। ईयर किसका होगा? पहला इशू का, वो ईयर वो आपको अगर दिया हो तो बहुत अच्छा, नहीं दिया हो तो हम तो कह रहे हैं दिया हो तो आपकी मेहनत बचेगी। चलिए फिर उसके बाद वही आगे हाइफन ए डॉट हाइफन बाल्टीमोर और उसके बाद कोलन, प्लेस का नाम है जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी प्रेस कॉमा और फिर ईयर। चलिए इसमें लास्ट में बंदी लगा दिया। सर 1947 कैसे निकालेंगे? 1937 कहां सर? ये 40 सर, ये लाइब्रेरी हैज वॉल्यूम 69 1947। वही मेथड भेजा, एक में 68 जोड़ दो, एक में 68 जोड़ दो तो ये 1879 में 68 जोड़ोगे तो यही आ जाएगा। हेलो ठीक है सर। यस सर थैंक यू सर। आप तो नर्सरी केजी वाली बात पूछ रहे हो बेटा। नहीं नहीं सर, ये तो सर एक्चुअली अभी से कनेक्शन चला गया था इसलिए। नो प्रॉब्लम, ये सब सिंपल मैथमेटिक्स है बेटा, ये तो आप छोटे छोटे बच्चे होंगे घर में वो करते हो। चलिए मैथमेटिक्स और हाइफन पीरियडिकल, ये इसका सब्जेक्ट बनेगा, मैथमेटिक्स हाइफन पीरियडिकल और उसके बाद जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी जिसका रोल है इसमें उसकी एंट्री बनेगी। दूसरा अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी, क्योंकि जनरल मैथमेटिक्स है और डिपार्टमेंट जो है उसमें ये सोसाइटी बनी हुई है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में, अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी, तो उसको भी हम ऑथर मानेंगे। तो इस तरह से दो ऑथर को हम इसमें वरीयता देंगे, एक तो यूनिवर्सिटी को और एक मैथमेटिकल सोसाइटी को, इनकी दो की एंट्री देंगे। बाकी टाइटल एंट्री होती है हमेशा, ये पीरियडिकल की एंट्री हमेशा टाइटल में होती है और किसी में एंट्री बनती ही नहीं। तो सामने पीरियडिकल आपकी एंट्री बनाई है, इस एंट्री को आप समझ लीजिए और ये एंट्री आप समझिए कि ये आपको बनानी है, ये आपने करनी है। ठीक है बेटा? यस सर। हाँ, सर ये 87 हाँ, 1879 हाँ, फुल स्टॉप होना चाहिए ना सर। किस पे? आगे हाँ, सर, आगे ना हाँ, सर नहीं है बेटा, ये उल्टा लिख गया, डॉट हाइफन का इन्होंने हाइफन डॉट लिख दिया, देखा है आपने? हाँ सर, ये उल्टा हाँ, अब उसके बाद 87 उसके बाद भी है, वहाँ भी फुल स्टॉप होना चाहिए। हाँ एंड में भी फुल स्टॉप, यस, जब आपका सेक्शन बंद होगा तो डॉट हो। मैंने आपको बताया डॉट कॉमा और ये हाइफन वगैरह आपके डिस्पैच में कई जगह हटे हुए हैं, लेकिन आपका काम यह है कि आप इस कमी को दूर करते हुए लर्न करें, क्योंकि आपने एग्जाम देना है, ये जिसने डिस्पैच बनाया है या छापा है उसने एग्जाम नहीं देना,
तो आप एग्जाम के हिसाब से तैयार हो, ठीक है बेटा? सर बल्टी बल्टी मोर के पास सर कॉलन कॉलन आएगा ना सर, कॉलन आएगा। हाँ, इसने डॉट डॉट लगाया, डॉट नहीं कॉलन सर। और 1879 के बाद भी सर डॉट आएगा, कह रहा हूँ डॉट आएगा, अभी बताया मैंने डॉट आएगा, ठीक है? वो बिल्कुल ऐसा है, जो कैटलॉगिंग के रूल्स हैं उनको फॉलो करते रहिए। मैं इतना गला फाड़ता हूँ और कब से आपको चिल्ला चिल्ला के समझाता हूँ, मेरे रूल्स एक बार फाइनल होते हैं और वो रूल्स आप दुनिया इधर की उधर हो जाए आप उसको कभी भी गलत मत करना। जैसे हेलो, हेलो सर, इसमें नंबर नहीं डाला गया है। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप किसी लाइब्रेरी में देखना, कभी भी पीरियडिकल्स एक्सेशन नहीं होती। पीरियडिकल्स बाउंड करके उसके ऊपर वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू वॉल्यूम थ्री करके जिल्दे बना के टाइटल लिख देते हैं पीरियडिकल का और वॉल्यूम का नंबर लिख देते हैं बस, और बहुत होता है तो ईयर लिख देते हैं ब्रैकेट में, इतना ही छपाई करके लिख देते हैं और वो सारी आपकी रखी जाती उसमें और कुछ नहीं। सर इसमें सिर्फ सर V लिखा है वॉल्यूम की जगह सर, और कुछ नहीं लिखा कोई भी वॉल्यूम। हाँ, ये V। हाँ हाँ, अब ये मैंने बताया ना, कोई चीज रह जाए तो आप पूछिए। देखिए स्मॉल V डॉट, इसका यस सर, ये वॉल्यूमलेस बुक है, मतलब ये वॉल्यूम वॉल्यूम में आती रहेगी फॉर इंडेफिनिट टाइम। वॉल्यूम इसके फिक्स तो है नहीं, वॉल्यूम फिक्स नहीं है बेटा। आज आप 110वां वॉल्यूम देख रहे हो या 112वां, कल को 200 वॉल्यूम तक चली जाएगी किताब। तो जब वॉल्यूम फिक्स नहीं है तो वो क्या लिखे, इसलिए वो वी डॉट लिखते हैं, इसका मतलब वॉल्यूमिनस, वॉल्यूम में वॉल्यूम। सर ये हमें सर हम सर जैसे हमें कैसे पता चलेगा सर कि इसके इनडेफिनेट वॉल्यूम्स हैं, हमें वी ही लिखना है? कमाल है सर, कोई काउंटिंग होती है सर? नहीं नहीं, काउंटिंग कुछ नहीं होती बेटा, मैंने बताया ना पीरियडिकल की एंट्री में बी डॉट ही लिखना, नंबर मत लिखना। हेलो, ओके सर, यस सर, यस सर। ये कितनी बड़ी बात याद आया, याद रहेगा ना कि बी डॉट आप पीरियडिकल्स में जब भी जर्नल हो सीरियल्स हो बी डॉट। और एक और पहचान है, बी डॉट लिखने के बाद आगे साइज लिखा और नीचे वाली लाइन में क्या लिखा, सिक्स इश्यूज ए ईयर, एक साल में 6 इश्यू निकलेंगे, तो इसमें तो निकलता ही रहेगा, आपको नमकीन कहाँ से लगाओगे आप, ये मतलब, ठीक है बेटा? यस सर। अच्छा, उससे नीचे वाली लाइन में होल्डिंग की लाइन है, लाइब्रेरी हैज वॉल्यूम 69-, ये देखो इसमें एक चीज मिस है, 69-47 के बाद डैश लगाना, डैश इसका मतलब है लाइब्रेरी में 69 से आगे के सारे वॉल्यूम है। हेलो, यस सर, 69 के बाद डैश लगाएंगे, 47 के बाद। हेलो, 69-1947- ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर नहीं नहीं, बाहर बाहर, इसका मतलब यहाँ से एंट्री हमारी ओपन है। अब आपको क्लोज भी बता देता हूँ, कभी ऐसा भी होता है तब लिख देंगे लाइब्रेरी हैज वॉल्यूम 69-75 और 69-47 और अगला जो है डैश करके 75 लिखेंगे, उसके भी ईयर लिख देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे, इसका मतलब ये पीरियडिकल अब बंद हो गया है, इतने वॉल्यूम से इतने वॉल्यूम तक ही था। हेलो, यस सर, ठीक है सर, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है कि कैसे है, मिसिंग है तो क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे, आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये है पीरियडिकल एंट्री जो जरूर आएगा, एक पीरियडिकल, एक कॉन्फ्रेंस जरूर आएगी, एक पीरियडिकल जरूर आएगा, एक कमेटी की भी आ सकती है, एक इंस्टीट्यूशन की भी एंट्री आ सकती है। ये जो मैंने कैटेगरी बताई है, ये इन एंट्रियों को तैयार करके जाना है आपने, ठीक है? यहाँ तक का आपका मेन टेक्स्ट समझ लो करीब करीब खत्म हो जाता है। अब मैं आगे चलता हूँ थोड़ा सा, इसलिए कि कोई और नई चीज होगी वो आपको बताऊंगा। जैसा पीरियडिकल होता ना बेटा, वैसे ही वर्ल्ड इवेंट्स की बुक्स होती हैं। कैसे होती हैं? आपने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड देखा है? गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हर साल के जितने रिकॉर्ड होते हैं, चाहे खेल के हों, चाहे क्रिकेट के हों, चाहे ज्यादा कोई ऐसी जीत के हों, चाहे कोई हार के हों, ये सारे रिकॉर्ड की एक रिकॉर्ड बुक है, उसका नाम है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। तो ऐसे ही ये वर्ल्ड रिकॉर्ड की कई बुक्स होती हैं, और ये है किसिंग्स रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट, संसार में जो घटनाएं होती हैं उन इवेंट्स की ये
एक तरह की रिकॉर्ड बुक है, ये आएगी तो पीरियडिकल की तरह ही इसका एंट्री होगी। कैसे होगी? पीरियडिकल की तरह आपको एंट्री करके दिखाऊं, उसमें उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ समझने की देर है। इसमें भी वॉल्यूम 8 से आगे के हैं तो आपको वो बात लिखनी है। देखिए ये मेन एंट्री देख लीजिए, ये टीसिंग्स रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स डॉट हाइफन वॉल्यूम 57, इसमें नंबर नहीं है, वॉल्यूम 57 और ईयर है, और उसके बाद डैश लगा दिया। डैश का मतलब है ये एंट्री चल रही है, 87 के बाद आगे चल रही है। और अब लंदन उस पे पत्रिका के ऊपर नहीं लिखा था, इसलिए लंदन जो है विद इन ब्रैकेट लिख दिया, लॉन्गमैन लिखा है तो लॉन्गमैन पब्लिशर है, कॉमा और 1987। ये जितने टाइटल एंट्री हैं ये सब हैंगिंग एंट्री बनती हैं। ये देखिए यहाँ से सर, ये ब्रैकेट में सर ब्रैकेट में 1987 के बाद डैश लगा के ब्रैकेट के बाद सर ये डॉट भी लगाया फुल स्टॉप इन्होंने, ऐसा है। ये इनसे बहुत चीजें गलत होती है, मैं इसको करेक्ट करता हूँ। देखिए हेलो, हाँ यस सर, हेलो, हाँ ये यहाँ से हाइफन निकाल लीजिए, अंदर से निकाल के आगे लगा दीजिए। हाँ जी सर, ठीक है, इसका मैं वॉल्यूम 57 से शुरू हुआ है ये, और इसके आगे हाइफन कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, और आगे यहाँ ईयर भी 1987 आ गया, ठीक है, और यहाँ भी डॉट लगा दीजिए। अब इसका लिखने में वही तरीका, वी डॉट, ये वॉल्यूम निकलेंगे और सेमीकोलन 26 सेंटीमीटर। अब ये है मंथली, हेलो, ये बेटा मंथली है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक जो है हर महीने छपती है, 12 इशू साल में तैयार होते हैं। ये रिकॉर्ड की वर्ल्ड इवेंट की बुक है, एक तरह से बुक नहीं है, एक तरह से पत्रिका टाइप है जो हर महीने निकलती है, और ये निकालता है, ठीक है, ये इसका साइज है, ये इसकी पीरियडिसिटी है, मंथली निकलेगा। अब इसमें लाइब्रेरी की होल्डिंग दी है, लाइब्रेरी हैज वॉल्यूम 8 1938 ऑफ रागी, डैश लगा, डैश लगा, ये है ओपन एंट्री बेटा। हेलो, पीरियडिकल की ओपन एंट्री ऐसे बनेगी, लाइब्रेरी हैज वॉल्यूम इतने, ईयर इतने, डैश, सर हो गया, ब्रैकेट दिया है। हाँ सर, अच्छा ब्रैकेट दिया है, 1987 का ब्रैकेट और लंदन का ब्रैकेट दोनों डिफरेंट है। हाँ, दोनों ठीक तो है बेटा। हाँ, दोनों डिफरेंट, एक स्मॉल ब्रैकेट है, एक नहीं, डिफरेंट नहीं है बेटा, ऐसा है, ये प्रिंटिंग प्रेस का, आप इसकी बात कर रहे हो लंदन की? हाँ, तो लंदन तो इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, इसलिए डिफरेंट है। ये जो लंदन लिखा है ये आपकी पत्रिका के ऊपर छपा नहीं है, आपको लॉन्ग मैन लंदन में है ये पता है, इसलिए आपने लंदन लिख दिया, प्लेस लंदन है, हमें हेलो, हाँ सर, तो ये प्लेस हमने ढूंढ के लिखा है, इसलिए ये हमने लिखा है, ये आपके क्वेश्चन में नहीं दिया है। Okay, तो लॉन्ग, हाँ, लॉन्ग मैन कैन कॉमा और 1987 आगे डॉट, सर मंथली के बाद से डॉट आएगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल आएगा, इसमें भी okay. इसमें भी ये सब डॉट है, ये सेक्शन अलग है। देखो ये है पीरियडिकल की डिटेल्स इंक्लूडिंग इम्प्रिंट, और ये है पीरियडिकल का कोलेशन साइज, और ये है पीरियडिकल की पीरियडिसिटी, पीरियडिसिटी आप समझते हो अंतराल, कितने अंतर पे छप रहा है, और लास्ट में है होल्डिंग, ये है होल्डिंग। और इसमें एक सेक्शन और है जो लिखा है कंटिन्यूज, इसका टाइटल जो है कीसिंग्स रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट, इसका टाइटल फिर बाद में चेंज हो गया, और चेंज होके टाइटल हो गया कीसिंग्स कंटेम्परेरी आर्काइव्स, ये इसका टाइटल चेंज है, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, हिस्ट्री और डैश पीरियडिकल, ये हिस्ट्री है सारी, इवेंट्स क्या होती है, हिस्ट्री होती है, ठीक है, हिस्ट्री का ये पीरियडिकल है, हिस्ट्री पीरियडिकल, इस तरह से करके आप, ये पूरा टाइटल हो गया है, ठीक है बेटा। हेलो सर, हिस्ट्री पीरियडिकल्स के बीच में कुछ साइंस क्या कर रहे हैं आप? हेलो, हिस्ट्री पीरियडिकल्स के कुछ भी सिंबल नहीं है। हाँ, हाइफन लगाइए ना, मैं कहता रहा हूँ हाइफन लगाइए, ये हाइफन इसने अक्सर मिस किए हैं, हिस्ट्री हाइफन पीरियडिकल्स, ओके सर,
हाँ चलिए, एक इसमें एंट्री इसकी इसकी एक्स्ट्रा बनेगी, वो क्या बनेगी वो देख लीजिए नीचे, ये देखिए सब इसको इसको कहते हैं एडिशनल मेन एंट्री। ये क्यों बनी? क्योंकि टाइटल हमारा चेंज हो गया। हेलो, हाँ सर, हाँ सर, हाँ, तो टाइटल जो हमारा चेंज हुआ है और जिस वॉल्यूम से चेंज हुआ है वो हमने डिटेल दे दी, ठीक है, ये जिससे चेंज हुई है वो दे दी, 1931 से वॉल्यूम 56 1986, ये जो डिटेल है ये इसकी किसिंग्स कंटेम्पोरी आर्काइव्स की डिटेल है। और तब ये छपता था लंदन से, हेलो, तब ये लंदन से छपता था, और ये सारी डिटेल आपको क्वेश्चन में दी, आपने इमेजिन कुछ नहीं करना। हेलो, हाँ सर, हाँ सर, हाँ, लॉन्ग वन करके ये देना है और आगे ईयर देना है, और 56 वॉल्यूम और 26 ये, इतने से इतने वॉल्यूम और ये साइज, ये तो डिटेल आ गई उसकी, ठीक है, पब्लिशर की, और ये आगे ईयर के बाद ये आ गया कोलेशन, और ये होल्डिंग है लाइब्रेरी लैक्स, दो तरह की इंफॉर्मेशन होती, या तो होती लाइब्रेरी हैज या होती इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी लैक्स, लैक्स का मतलब लाइब्रेरी में नहीं है, एक वॉल्यूम से सात वॉल्यूम तक लाइब्रेरी में नहीं है, वो हमने लिख दिया, 31 से 37 तक के वॉल्यूम लाइब्रेरी में नहीं है, लाइब्रेरी लैक्स, बाकी सब है। Yes, sir. और यहाँ इंफॉर्मेशन दे दिया कंटिन्यूज एड किसिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट, ये पुराना नाम है, ये नया नाम है, ठीक है बेटा, हेलो, हाँ, ये पुराना नाम है, ये नया नाम है, और सारी डिटेल इसमें भरी है, आप इस क्वेश्चन को देख के इसको अपने आप खूब करें आराम से, और नेक्स्ट टाइम मुझे पूछें अगर इसमें कोई दिक्कत है, और पीरियडिकल के साथ ही आप समझ लीजिए कैटलॉगिंग का सारा कुछ खत्म हो गया, जो है वो नॉन बुक मटेरियल है। सर ये लॉन्गमैन के बाद सर कॉमा लगा के 1931 से 86 हाँ, के बीच में हाइफन आएगा सर? हाँ बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, हाइफन आएगा दोनों के बीच में। यस सर, ठीक है, चलिए अब ये पूरी एंट्री समझने के बाद देखिए, वर्चुअली देखा जाए तो कैटलॉगिंग का इतना ही मटेरियल आपके काम का है, मतलब इतनी ही एंट्री आपको एग्जाम में आती है, कैटलॉगिंग और भी होती है लेकिन वो सिर्फ आपको हम पढ़ा देंगे समझा देंगे, लेकिन आ जाए तो मेरा दोष मत निकालना, आ जाए तो बना लेना। ये देखो आगे मैं दिखाता हूँ, ये एंट्री और होती है, ये देख ये क्या लिखा है, कैटलॉगिंग ऑफ नॉन प्रिंट मीडिया। नॉन प्रिंट मीडिया क्या होता है बेटा? सर जो कैसेट सीडी है, जितने भी हैं जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है उस पे जितनी भी चीजें होती है, कोई रिकॉर्ड है, कोई सीडी है, कोई स्लाइड है, ये सारा मटेरियल नॉन प्रिंट है, ये छपने वाला नहीं है, ये मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, नॉन प्रिंट, इनकी भी कैटलॉगिंग आती है लेकिन अभी तक एग्जाम में आई नहीं है, मैं आपको इसको समझा जरूर दूंगा लेकिन ये आती नहीं है, इसकी कैटलॉगिंग के लिए इतनी चीजें अपने दिमाग में रखी जाती हैं, टाइप ऑफ मटेरियल और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज हम इसको इस तरह से पढ़ लेना, ये जो टेबल है इसको पढ़ लेना या इसका स्क्रीनशॉट ले। अब ये जितनी भी चीजें हैं इसको मैं दिखाता हूं नॉन प्रिंट को कैसे करते हैं, एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। पहली एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 6 क्या लिखा है, 30 पावर 8 मेगा मिक्स, आप लोगों के जमाने की चीज है, हमारे जमाने की नहीं है लेकिन आप समझ लीजिए, मेगा मिक्स क्या होते हैं, वो गाने जो मिक्स होके रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं। हेलो, यस सर, हेलो, हाँ, ये इसमें 30 गाने हैं, कितने गाने हैं इसमें, ये जो है
30, इस डिस्क में 30 गाने हैं, आपको कहा है इसको कैटलॉग करिए, तो आपने देखा इन्फॉर्मेशन क्या है, कंपैक्ट डिस्क है, डिजिटल ऑडियो है, ये तो है इसकी फिजिकल वैल्यू, बुक जो है फिजिकली क्या है, कंपैक्ट डिस्क डिजिटल ऑडियो, और इसके अंदर कंटेंट्स क्या है, 30 पावर हिट्स मेगा मिक्स, और ये छापा किसने है, बनाया किसने है इसको, वो है वर्ल्ड डिजिटल साउंड लिमिटेड बॉम्बे 1995। अगली डिटेल देखिए, इसका संगीत का सब्जेक्ट है तो 784.5 जो है वही है म्यूजिक डिस्क वो है म्यूजिक का, और उसके बाद एक्सेशन नंबर, ये जो स्लाइड्स ये जो है ना डिस्क वगैरह इन पे भी मार्कर से एक्सेशन नंबर डाल दिया जाता है जिससे लाइब्रेरी में इशू रिटर्न हो सके, मार्कर से लिख दिया जाता है, और इसके अंदर हैं क्या 30 गाने हैं, ये कंटेंट लिखा है 30 गाने हैं, और इसमें पहला दूसरा करके 30 गाने के साथ में डिटेल भी दी हुई है। ठीक है बेटा सर, ये कॉम्पैक्ट डिस्क 60 मिनट तो सर कहीं नहीं दिया हुआ का, अरे सर ये जो फर्स्ट वन कॉम्पैक्ट डिस्क 60 मिनट तो सर इंफॉर्मेशन नहीं दिया, कौन कहता है, आपने बहुत जल्दी कर रही है, आप बहुत जल्दी कर रहे हैं बेटा, आप बहुत जल्दी कर रहे हैं, अभी दिखाता हूं, इसमें इसने मिस कर दिया भाई, नहीं है क्वेश्चन में दे दिया, मिस प्रिंट है, हाँ मिस कहीं रह गई होगी, ये एक हमने देखा है उस पर देखी है मैंने, और इसमें है नहीं, खैर कोई बात नहीं, अगर नहीं दिया होगा तो आपकी गलती नहीं होगी, आप नहीं लिखेंगे, आप नहीं लिखेंगे, वैसे आपको बताएं 30 गाने जो हैं, हेलो 30 गाने 60 में ही होते हैं, 60 मिनट नॉर्मल यही होता है, 2 मिनट का ही होता है जनरली, लेकिन चलो आप नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, ठीक है आप ऐसे करके सर, ये डिजिटल स्टीरियो के बाद सर ये 5 इन क्या लिखा हुआ है, 5 इंच साइज है ना उसका, साइज होता है ना बेटा, हाँ जैसे हम उसमें बुक में लिखते हैं ना साइज, ऐसे 5 इंच है इसका, जो डाया है 5 इंच है, हाँ जी अच्छा, सर ये सीडी का डायमीटर दिया हुआ है, हाँ यस फिजिकल है, हाँ डिजिटल सब हो गया, सब हो गया, कंटेंट्स में हम वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने मल्टी वॉल्यूम बुक किया था, मल्टी वॉल्यूम था कंटेंट्स करके वन में पहला गाना लिखिए और गायक का नाम स्लैश करके, फिर दूसरा गाना और फिर गायक का नाम, फिर इसी तरह से 30 तक ऐसे लिख जाएंगे, इन्हें छोड़ दिए हैं डॉट डॉट करके छोड़ दिए हैं, आप 30 लिख दीजिए, और लाइट माई फायर लास्ट में ये जो है, मतलब इसने 30 गानों के लिखे नहीं है, और आपको क्वेश्चन में भी 30 गाने नहीं आएंगे, हेलो 30 गाने आने का मतलब है कि आप यही लिखते रह जाओगे, तो क्वेश्चन में कम दे देंगे वो छोटे, और पॉपुलर और म्यूजिक के बीच में सर हाइफन आएगा, पॉपुलर म्यूजिक एक ही वर्ड होता है बेटा, ओके सर, हाँ पॉपुलर म्यूजिक एक ही वर्ड होता है, पॉपुलर का कोई पार्ट नहीं है म्यूजिक, सर पॉपुलर म्यूजिक 5 गाने आते हैं तो 1-2 लिख कर हम लोग हाँ बिल्कुल, लेकिन ये है आप ये मान के चलिए ये चीजें अभी देते नहीं है, हो सकता है तो आपकी किस्मत अच्छी हो तो ऐसी एंट्री आ जाती है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं, कोई इतनी वो नहीं है, बस इसको आइडिया लेके और आप जाइएगा, तो इसलिए आपने पढ़ना ये भी है, ठीक है, हेडिंग देखते हुए सर इसका, हाँ जी बेटा ये है ना देखो पॉपुलर हिट्स मेगा मिक्स, वही जो टाइटल में एंट्री होती है, जितने पीरियडिकल से टाइटल एंट्री हमने शुरू कर दी आपकी, उसी कैटेगरी में भी आता है, क्योंकि आथर तो इसका एक है नहीं, हर गाने का गायक अलग है, पता नहीं वो खुद आथर है या किसी का गा रहा है, वो आपका मतलब नहीं, आपको तो जो दे रखा है उसी को मानिए, अगर लता मंगेशकर का गाना है तो आप साइड में स्लैश करके लता मंगेशकर लिख दी, जो उन्होंने लिखा है ना आपने जो दी है डिटेल वही भरनी है, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना, देंगे और उसको ऐसे करिए, मेन एंट्री आपके सामने है बेटा,
सर मेन एंट्री में 30 को क्यों नहीं लिखे, 30 पावर हिट्स मेगा मिक्स, 30 को नहीं लिखा, 30 को मेन हेडिंग में नहीं लिखे क्यों? ऐसा है, वो और चीज है, पावर हिट्स मेगा मिक्स लिखने के बाद टाइटल हो गया और विद इन ब्रैकेट साउंड रिकॉर्डिंग, ये वर्ड है नहीं आपके टाइटल में, साउंड रिकॉर्डिंग अपनी तरफ से जोड़ा। अब उसकी जो हिट्स कैसे होते हैं, उसकी जो टेक्निकल जो है ना प्रोसेसिंग की, आप बताइए वो कंप्यूटर साइंस या जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसका काम है, कैटलॉगर का वो काम नहीं है। आप ये लिखेंगे कितनी जीगाबाइट कितना वो है या कितना है उसका रिसेप्शन है या कितनी क्लेट, ये चीज आप नहीं लिखेंगे, आप लाइब्रेरियन है, आप टेक्नीशियन नहीं है, ठीक है बेटा? तो आपने टाइटल ही लिखना है पावर हिट्स मेगा मिक्स, वो उन्होंने लिख दिया, आपका काम वो नहीं लिखना है जो आप कह रहे हो, मैं आप समझाता हूँ। वो हाँ बोलो सर, इसमें जो वो हैंगिंग एंट्री बनी है ना, तो वो जो टाइटल है ना साउंड रिकॉर्डिंग, तो इसके ये रिकॉर्डिंग जो वर्ड आया है उसके लिए इमेजिनरी लाइनिंग से स्टार्ट करनी होगी ना लिखने के लिए। हाँ, आगे अगली लाइन से वही हैंगिंग बनेगी बेटा, और ये नीचे जो लिखा ना एक कंपैक्ट डिस्क 60 मिनट है ना, ये लिखा ना एक कंपैक्ट डिस्क 60 मिनट डिजिटल स्टीरियो 5 इंच, ये ठीक लिखा है, ये है कोलेशन वाली लाइन, एक मिनट बेटा, ये कोलेशन है, टाइटल यहाँ पर खत्म हो जाता, टाइटल तक हैंगिंग होती हमेशा, ये है कोलेशन, कोलेशन हैंगिंग नहीं होता। आप पेजेस जो साइज जो लिखते हो तो थोड़ा ही होता है, अगर उसमें आगे सीरीज भी लिखी हो तो ये यहाँ तक खुल जाएगी पूरी, ये यहीं तक हैंगिंग होता है बेटा, पहले भी हमने बताया, कोई भी एंट्री हमारी हैंगिंग देख लो, ये कोलेशन हैंगिंग में नहीं। सर मैं ये स्पेस के बारे में पूछ रही थी कि ये उसमें तो ये जो रिकॉर्डिंग वर्ड लिखा है ना वो थोड़ा आगे जाके लिखा है ना, थर्ड इमेजिनरी लाइन नहीं, आगे नहीं, ठीक लिखा बेटा, आगे नहीं जाएगा, ये हमें हैंगिंग एंट्री तो इसी लाइन से होती है, यहाँ से थोड़ी होती, ठीक हुई है, आप इमेजिनरी की बात है, आप कंफ्यूज मत हो बेटा, वो जब टाइट यहाँ पर ऑथर का नाम होता है कॉर्पोरेट बॉडी में तब वो इमेजिनरी उससे लिखा जाता है, ये वो नहीं है, दिस इज डिफरेंट, ये तो है टाइटल एंट्री, टाइटल एंट्री ऐसे ही बताइए आपको। एक बार फिर आप दिमाग भी ऐसा है बेटे, आप पढ़ रहे हो और हमारी हर चीज जो है बस सेट हुई पड़ी है, तो आपको समझने में अभी टाइम लग रहा है, आगे आपको भी ऐसे हो जाएगा कि टाइटल एंट्री हमेशा हैंगिंग बनती है जो आपकी बनी हुई है, ठीक है बेटा? जी सर, हैंगिंग ही एंट्री बनती है, और हैंगिंग कहाँ तक रहती है ये भी हमने बताया, कोलेशन तक, कोलेशन से नॉर्मल एंट्री हो जाती, फिर हैंगिंग नहीं रहती, इसीलिए वन कंपैक्ट डिस्क 60 मिनट्स ब्रैकेट कोलन डिजिटल कॉमा स्टीरियो सेमीकोलन 5 इंचेस, यहां तक उन्होंने वो रनिंग एंट्री पूरी बनाई है, वो हैंगिंग नहीं बनाई, हैंगिंग नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। सर एक बार ये सर कंटिन्यू पेज वाले का सर बता दीजिए कैसे लिखना है, कंटिन्यू पेज का, अभी तो मैंने बताया कंफ्यूजन हो रहा है सर, कंफ्यूजन नहीं हो रहा, आप समझ नहीं पा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, चलिए इस एंट्री को कंटिन्यू कर देता हूँ, हेलो हेलो, इस एंट्री को कंटिन्यू, कंटेंट वाला जो है हम समझते हैं कि वो नहीं आया आपका, ठीक है yes. ये आपका नहीं आया, तो जो नेक्स्ट कार्ड होगा उसमें पावर हिट्स मेगा मिक्स लिख देंगे, हेलो यस सर, यस सर, ये लिखने के बाद फिर छोड़ देंगे, और वो छोड़ने के बाद डॉट डॉट दे देंगे 2-3 डॉट, और उसके बाद नीचे आके ये जो कंटेंट्स वाला है वो लिख दीजिए, एक लाइन रिकॉर्डिंग वाली, देखो इस लाइन यहाँ पर इतना लिख दीजिए, आगे डॉट डॉट करके कंटिन्यू कर दीजिए, और ये जो इंफॉर्मेशन है इसको छोड़ दीजिए, और यहाँ से अगली लाइन या उससे अगली लाइन से कंटेंट्स कोलन 1, ये सारा कंटिन्यू कर दीजिए, ये सारा, इसका मतलब हमारे कार्ड में इंफॉर्मेशन यहीं तक आई, हम मान लो इंफॉर्मेशन यहाँ तक आई, चलो यहाँ तक आई, तब भी आपने क्या करना है, अगला कार्ड लो पावर हिट्स मेगा मिक्स करके डॉट डॉट कर दो, और यहाँ कंटेंट्स वाली चीज एक लाइन छोड़ के यहाँ से लिखना शुरू करो, कंटेंट्स 1, ये 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 ये, और नीचे
उसमें कुछ नहीं कर, और उस पर लिख दीजिए कंटिन्यूड वन, अगला जो कार्ड होगा उसके यहाँ पर ऊपर लिखेंगे आप कंटिन्यूड वन, और ये जो कार्ड है जो बेसिक कार्ड है उस पर लिखेंगे कंटिन्यूड ऑन नेक्स्ट कार्ड, कंटिन्यूड ऑन नेक्स्ट कार्ड, बस इतना लिखना है। इस कार्ड को उस कार्ड से लिंक करना है, और ये नंबर लिखना मत भूलना, कॉल नंबर और एक्सेशन नंबर, ये दोनों ही कार्ड में लिखेगा, क्योंकि वो लिंक कैसे होगा, एक कार्ड को दूसरे कार्ड से लिंक करना होता है। ये चैप्टर पूरा आपका खत्म हो गया।